नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर से एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। दोस्तों, संतरा तो सब लोग खाते हैं, ये बड़े खट्टे मीठे और स्वादिष्ट तथा सुंदर रंग वाले होते हैं। संतरा को देखते ही ताजगी का एहसास होने लगता है। इसे बच्चे, बड़े या बूढ़े, हर उम्र के लोग बड़े चाव से खाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम संतरा खाने से होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में बात करेंगे। संतरा में पोषक तत्व कुट कुट कर भरे होते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। ये विटामिन सी से भरपूर होता है। संतरा का फल प्राकृतिक रूप से एंटीऑक्सीडेंट होता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ये फल जवानी को बरकरार रखने के लिए उतना ही फायदेमंद भी होता है। इसको खाने से शरीर का पूरा कचरा साफ होता है और खून शुद्ध होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। इस फल में विटामिन, पोटेशियम, कैल्शियम और मिनरल्स काफ़ी मात्रा में होता है। इसका सेवन करने से हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है। इसके अलावा संतरे के फल में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। इसमें पाए जाने वाले तत्व ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और कमजोर हड्डियों को मजबूत करता है। संतरे को प्राकृतिक रूप से खाने से इसका ज्यादा बेनिफिट्स मिलता है। इसके अलावा आप इसका जूस बनाकर भी पी सकते हैं। संतरा में विटामिन सी होने से यह हड्डियों में होने वाली सूजन को रोकता है। इसमें होने वाला विटामिन सी किडनी को स्वस्थ और मजबूत बनाता है तथा किडनी में पथरी को बनने से रोकता है। दोस्तों, संतरा में विटामिन सी और फाइबर होने से चर्बी को बढ़ने से रोकता है और वजन घटाने में काफ़ी मददगार होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होने से कैंसर को आगे बढ़ने से भी रोकता है। इस फल में बीटा कैरोटीन और विटामिन ए काफ़ी मात्रा में होने से आंखों को स्वस्थ रखता है और आंखों की ज्योति बढ़ाता है। इसके साथ ही ये मोतियाबिंद के खतरे को कम करता है। दोस्तों, संतरे को मधुमेह की रोगी भी खा सकते हैं क्योंकि इसमें शर्करा के स्तर को कम करने का गुण होता है। दोस्तों, संतरा खाने के इतने सारे फायदे हैं, लेकिन इसका ज़्यादा सेवन करने से नुकसान भी हो सकता है। भोजन के एक घंटे पहले अगर आप संतरा खाते हैं तो ये भूख बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त भोजन के बाद अगर संतरा खाते हैं तो भोजन आसानी से पच जाता है। इसको रोजाना खाने से पाचन शक्ति मजबूत बनती है और पेट संबंधी समस्याएं नहीं रहती। दोस्तों, संतरे के जूस का ज़्यादा मात्रा में सेवन करने से ये ब्लड में शुगर के लेवल को बढ़ाता है। इसलिए डायबिटीज़ के मरीजों को कम मात्रा में ही संतरे का सेवन करना चाहिए, अधिक मात्रा में यह नुकसान कारक हो सकता है। संतरे को कभी सुबह खाली पेट और रात को न खाएं। संतरे को ज्यादा से ज्यादा दिन में ही खाने का प्रयास करें। संतरा के फल में फैट, कोलेस्ट्रॉल और सोडियम की मात्रा न के बराबर होती है। ये आंखों को स्वस्थ रखने के लिए और दिल के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में इसको खाने से सीने में जलन को उत्पन्न करता है और एनर्जी के लेवल को अनियंत्रित कर देता है, जिसके कारण दस्त जैसी समस्याएं हो सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो संतरा आंखों के लिए, बालों के लिए, हड्डियों के लिए और पाचन शक्ति के लिए बेहद फायदेमंद होता है। इसको रोजाना खाने से चेहरे की झुर्रियाँ दूर होती है, चेहरे की चमक बढ़ती है, आँखों की चमक बढ़ती है और बालों की भी चमक बनी रहती है। ये लंबे समय तक जवानी को बरकरार रखता है। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ।